सही है यार। दोस्तों कैसे आप लोग, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। बट यार मेरी आज फट रही है बहुत ज़्यादा। बहुत सोचने और समझने के बाद डिसाइड किया आज ब्लॉग बनाते हैं। सो गाइस विश मी ऑल लक एंड लेट्स द कीप कैमरा रोलिंग। चलो आपको दिखाते हैं सिटी का टूर आज। ये है खारकिव, खारकिव सेंटर। चलो भाई दिखाते हैं आपको टूर पे आते हैं। तो आज मुझे स्कूल का याद आ गया यार। जैसे स्कूल में होता था ना सैटरडे के दिन स्पीच देना है भाई, और सुबह से ही आदमी टेंशन में होता था क्या बोलेगा क्या होगा आज। आज वही हाल मुझे साथ हो रहा, अजीब सा लग रहा है यार। बट क्या करें, रूम पे रहकर कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं। इसी मकसद से आज बाहर आए हैं। तो चलिए बात समझ में आता है, किसी को जज करना ना बड़ा आसान काम है, और आपको जब कोई जज करता है ना अजीब सा फीलिंग आती है यार। ब्लॉग बनाने का एक ही मकसद है, आदमी का कॉन्फिडेंस है और क्या, बस इसी मकसद से आदमी ब्लॉग बना रहा है और क्या। अभी हैं हम सबचंको गार्डन में, तेरा सबचंको। ये जो स्टैचू देख रहे हैं आप लोग, इनका नाम है तारस सबचंको। इन्हीं के नाम पे ये बना है पार्क, बहुत ही खूबसूरत है। इनको आप लाइक हमारे यहाँ जो बोलते हैं ना रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उन्हीं की तरह इनका भी यहाँ पे पोजीशन है। ये पोएट थे बहुत बड़े। बहुत दिनों से, दो वीक से बारिश ही हो रहा था यहाँ पे। अभी सोचा था आज बनाए वीडियो, कल बनाए। हाँ सोचा आज बना ही लूँगा, कैसे भी कुछ भी हो जाए आज तो वीडियो बनाना है। वैसे गर्मी का दिन आ रहा है, गर्मी अब यही है कि वेकेशन होगा, वेकेशन में आदमी करे तो क्या करे। अब रूम पे रहकर वीडियो गेम खेलना हमेशा सही नहीं है। सोचा व्लॉगिंग करते हैं इस बार, कुछ इस समर में कुछ क्रिएटिव। सो यही मकसद। ये केयर टेकर हैं, ये पूरा गार्डन का केयर करते हैं ये लोग। गार्बेज हो गया जो भी हो गया ये लोग यही देखते हैं। गर्मी के दिन में असल जो
ये सारे लोग हैं ना यहाँ के, घर छोड़ के बाहर आते हैं। एक तो ठंड में ही लोग का 3 महीना 4 महीना घर में रहते रहते इन लोग हाथ खराब हो जाता है, तो गर्मी इन लोग इंजॉय करता है अच्छे से, करना भी चाहिए भाई। तीन साल हो गए खारकी में, 3 साल 350। बहुत बार यहाँ पे आए हम लोग, ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है, बस कुछ चीज़ें हैं जो रीजन्स है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पहला तो कॉन्फिडेंस, आदमी के साथ इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कहीं बोलने का, सोचा कि ब्लॉग बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस एक्चुअली होता क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इनसिक्योर फील करेंगे। जो अभी आज वीडियो बनाते समय आज फील कर रहा था मैं, एक्चुअली कॉन्फिडेंस नहीं भी है तो आप फेक कर सकते हैं, फेक कॉन्फिडेंस, लाइक फेक अंटिल यू मेक इट। बहुत सारे लोग करते हैं भाई इंटरव्यू में, सब लोग फेक ही करते हैं, तो मैं भी आज फेक ही कर रहा हूँ।
दूसरा चीज़ होता है स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट इफेक्ट बोलते हैं उसको। उसमें ऐसा लगता है ना कि सारे लोग मेरा तरफ ही देख रहे हैं, और असल में सारे लोग को यही लगता है कि सभी लोग मेरा तरफ ही देख रहे हैं और मेरा निगेटिव पॉइंट उठा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी पर इतना टाइम नहीं है कि आपको नोटिस करे, पर वो दिमाग में रहता है एक कि आदमी कोई नोटिस कर रहा है। इस चक्कर में आदमी कॉन्फिडेंस खो देता है, कॉन्फिडेंस आता नहीं है, और यू नो कॉन्फिडेंस जब आदमी आ जाता है ना, फिर आप कैसे कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स हैं लाइक टू बी फियरलेस, फियरलेस कैसे बने। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है